आदुतवाड़ी पुलिस के सामने है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने घन कचरा सफाई कामगार के अनेक समस्या को लेकर अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने सफाई कर्मियों की समस्या के निराकरण की मांग की है। सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर घन कचरा सफाई का काम करते हैं, लेकिन इनकी कई ऐसी समस्याएं हैं जिस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे मामले अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में देखने मिल रहे हैं, जहां नगर परिषद की ओर से सफाई कामगारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कामगारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र निर्मूलन समिति की ओर नगर परिषद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की ओर से सफाई कर्मियों को बहुत कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। घन कचरा सफाई कामगार और भ्रष्टाचार समिति द्वारा नगर पालिका के सीईओ और घन अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की अध्यक्ष से मांग की गई है कि सफाई कर्मचारियों की पेमेंट बढ़ा कर दी जाए और सुरक्षा किट, कार्ड, ड्रेस सभी उपलब्ध कराए जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद करने का इशारा भी सफाई कर्मियों ने दिया है। आप तक न्यूज अंजनगांव सुरजी प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। लेकिन जो पूरे गांव की स्वच्छता करते हैं, उनके हक दबाने का काम नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। कामगारों का संघर्ष गए 5 साल से शुरू है, लेकिन प्रशासन इसके तरफ कोई ख्याल नहीं करता। कम से कम ये नए ठेकेदार ने नगर पालिका के कंट्राडिक कामगारों को उनके हक का मिनिमम वेजेस एक्ट, ईपीएफ और अन्य सुविधा का वहन करना जरूरी है। बोले भारत में आने वाले जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार ने उनको कोई तकलीफ ना हो और उनके सुरक्षा और उनका गणवेश, वैसे ही उनके जो वेतनवाड़ है, जो उनकी मजदूरी रहती है, वो बढ़ा के देना चाहिए। या ऐसा ठेकेदार नहीं करता है तो हम हमारे कामगार संगठन की ओर से काम बंद करने का आह्वान करते हैं। अभी सर आज निवेदन दिया गया, केस विषय में दिया गया, क्या काम करतात सब सफाईचे काम करतात ते गावातले जे आहे तरुण, तर त्यांनी काम करताना ज्या आवश्यक सुरक्षा उपकरणे आहेत ती त्यांची मागणी केलेली आहे नगर परिषदेकडे, आणि ती मागणी योग्य आहे। कारण की सफाईचं काम करताना आवश्यक जे सुरक्षा उपकरणे आहेत ते आवश्यक आहे, तर आम्ही कंत्राटदाराच्या माध्यमातून त्यांची जी मागणी आहे ती आम्ही प्रयत्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। सर लोगों का आरोप है यहाँ कि नगर पालिका में मजदूरों को कम पेमेंट दी जाती है, इसके बारे में क्या बोलना है सर? नहीं, नगर परिषद अंजन को सुरक्षित जे है सफाई मध्य कर्मचारी जे इतर शहरांपेक्षा शहर जे सफाई कामगार है त्यांच्यापेक्षा जास्त जास्त रोजगारी है, त्यांचे ईपीएफ सुद्धा रेगुलर भरले गेले आहे, त्याच्यामुळे चुकीचा आरोप आहे। सर यहाँ पे लोगों के ऐसा आरोप है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी है उनको कम पेमेंट दी जाती है, आपका क्या बोलना है? नगर परिषद के इसमें दो कर्मचारी आते हैं, नगर परिषद के परमानेंट कर्मचारी, उनको तो पगार कम देने का सवाल ही नहीं है। दूसरे जो कर्मचारी जो विषय है पेमेंट का जो भी, इसमें नगर परिषद का डायरेक्ट तालुकात नहीं आता, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके जरिए वो पेमेंट होता है। नगर परिषद किसी प्रकार के इसमें कम पेमेंट देना या ऐसा कोई बात नहीं रहती, लेकिन इसके बारे में भी उसको कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी हिदायत दिए जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे।